नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में मैं क्षितिज देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे खास मुलाकात में खास मेहमान से बातचीत करने वाले हैं। उनका नाम है श्वेता शालिनी जी, जो कि बीजेपी से है। वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भारतीय राजनीतिज्ञ भी है। उन्होंने सलाहकार, चुनाव रणनीतिकार और प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके साथ कार्य किया है। साथ ही साथ वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी है। और इसी के साथ हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा उनसे ये है कि वो राजनीति में कैसे आई। एक्चुअली वो आती है एक आर्मी जो फैमिली है, मिलिट्री बेस्ड फैमिली है। उनसे उनके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, उनकी पढ़ाई भी पूरी आर्मी के स्कूलों में हुई है। ये सब ऐसा एटमॉस्फेयर घर में होने के बावजूद आप राजनीति में आए हो, वो भी इतने सक्सेसफुल हो गए हो, क्या बताओगे? क्षितिजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है और खासकर इस प्लेटफॉर्म पर आकर, विदर्भ में आकर, नागपुर में आकर मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी है। आपके दर्शकों से मिलकर बहुत खुशी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा मुझसे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए हम। देखिए, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे पिताजी ने मुझे ये बताया कि देश की सेवा सर्वोपरि है। मेरे पिताजी, जब आप सैनिक होते हो ना, जब आप फौज में होते हो, तब आपके अंदर ये जज्बा होता है कि देश के लिए जान भी दे देना है। बचपन से हमने यही सुना, यही सोचा, यही समझा कि देश हमारा हमारा धर्म। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि एक सैनिक का धर्म धर्म जो है वो हरा होता है, क्योंकि वो हरे रंग का यूनिफॉर्म पहनता है। तो इसी तरीके से वो सोचते थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब हम बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, तब ये सोचते नहीं कि हमारे पीछे जिस व्यक्ति को हम बचा रहे हैं वो किस धर्म का है, वो किस उम्र का है, वो किस क्षेत्र का है। हम केवल मात्र ये सोचते हैं कि वो भारतीय है। इसी जज्बे से उन्होंने मुझे बड़ा किया। मैं बहुत छोटी थी क्षितिजा जी, तब वो मुझे सुनाया करते थे कि तुम रजनी की चांद बनोगे या दिन की मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगी या पत्थर, नकली क्रीम क्रीम सज्जी से नकली रूप सजाओगी या असली तेज लहू का आनंद पर चमकाओगे। तो उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि ब्यूटिफुल इज वॉट ब्यूटिफुल डज। इसीलिए मैं इंजीनियर बनी, मैंने MBA किया, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, मैंने अपनी एक कंपनी खोली जिसमें मैं लोगों को मैंने नौकरियां दी। लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, आपके जिंदगी में जो आपका मकसद है, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। और मेरा मकसद कहीं ना कहीं सेवा था, मेरा मकसद कहीं ना कहीं देश था। और इसके लिए मुझे एक माध्यम मिला और एक एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला, जिसका नाम श्री नरेंद्र मोदी था, एक गुरु मिला जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस था। इन दोनों को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि यदि एक व्यक्ति चाहे तो दुनिया बदल सकता है, तो यदि हम जैसे युवा सब मिलकर अगर चाहेंगे तो हम राजनीति क्या, हम सब कुछ बदल सकते हैं। और यही सोचकर, यही जज्बा रखकर मैं राजनीति में आ गई। बिल्कुल, बट आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थे, तो कैसे क्या राजनीति में आना आपने पसंद किया? कई अवार्ड भी उसमें आपने हासिल किए हैं, और कॉरपोरेट जगत छोड़ के राजनीति में आना, वो भी आप बिहार से, मतलब आपकी पैदाइश जो है बिहार की है, आप महाराष्ट्र में आकर कार्य कर रही है, वो भी राजनीति में, क्या बताओगे? देखिए, आपने ये उठाया है तो मैं आपको बताना चाहूं, मेरा जन्म मिथिला में हुआ, मेरी शादी अयोध्या में हुई है और मुझे दो जुड़वा लड़के भी हैं। जब मैंने अपने अपने मैंने 9 अलग अलग स्कूलों में, 7 अलग अलग राज्यों में पढ़ाई की, बचपन से सबका कल्चर देखा, सबका ट्रेडिशन देखा, और जब मैंने अपने जीवन को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खास हूं, जैसे हर व्यक्ति होता है, यू आर यूनिक, आई एम यूनिक। जब जब भगवान आपको यूनिक बनाता है, आपको ये जिंदगी देता है, तो उस जिंदगी का आपको कुछ ना कुछ करना होता है। इसी जज्बे के साथ मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं लोगों को रोजगार दे रही हूं, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, अगर मैं पोजीशन ऑफ पावर में बैठूं तो वहां से मैं कितने जीवन में बदलाव ला सकती हूँ। मेरे एक डिसीजन से बहुत सारी चीजें बदल सकती है, मेरे एक काम से। मैं एक वाक्य बताती हूँ आपको कि मैं नंदुरबार गई थी, वहां पर मैंने एक परिवार में एक
12 साल की बच्ची को अपने 8 भाई बहनों को संभालते हुए देखा। दोनों उसके माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे, वो लोग काम पे गए हुए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे छोटा बच्चा 9 महीने का था और उसका उसका कान केवल मात्र एक छोटे से मांस के टुकड़े से लटका हुआ था। उस वाक्य के बाद मुझे 2 दिन नींद नहीं आई। मैं भी माँ हूं और मुझे पता है कि जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आपको आपको सर्वस्व देने का मन होता है। तो जब दूसरे के बच्चे को मैंने इस तरीके से देखा तो मुझे लगा कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी। और तब मैंने देवेंद्र जी के पास लेकर सैम मैम का प्रोग्राम लेके गई। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे VSTF के अंदर, विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन के अंदर, रैकेट बैंकाइजर एक कंपनी है डेटॉल की, उसके माध्यम से सिवियरली अक्यूट मैल न्यूट्रिशन का काम शुरू किया और बहुत ट्राइबल एरियाज में काम किया। और मुझे बहुत गर्व है ये कहने में कि हम वहां के बच्चों को सिवियरली अक्यूट मैल न्यूट्रिशन से निकाल पाए। और आज मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे जैसा आम साधारण व्यक्ति अगर ये दर्द देखकर ये समझ जाए कि मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूं, तो हम और आप और कितने लोग जो आपको देख रहे होंगे ये सब अगर तय करें तो हम कितना बदलाव ला सकते हैं इस देश में। बिल्कुल, आपने देवेंद्र फडणवीस इनका जिक्र अभी गुरु के तौर पर किया है, तो मुझे ये बताइए आप बिजनेस के क्षेत्र में थी, वो राजनीति में है, तो आपकी मुलाकात कैसे हुई, उनके साथ आपने काम किया, सलाहकार समिति के साथ आपने काम किया है, 2014 में भी आपने जो है चुनाव के दौरान बहुत ही अहम भूमिका भी निभाई है, तो क्या बताओगे इसको लेकर? देखिए, मैं पहली बार यदि किसी पॉलिटिकल फिगर या राजनीतिक क्षेत्र में किसी नेतृत्व से मिली तो उसका नाम नरेंद्र मोदी था। वो मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य के। मेरी मुलाकात उनसे 2007 में हुई और मैं उनसे इतनी प्रेरित हुई कि उनके साथ कार्य करने के लिए जुट गई। गुजरात मॉडल इसको स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक व्यक्ति यदि तय कर ले तो वो पूरे एक राज्य को बदल सकता है, और यदि हम जनता तय कर ले तो इस व्यक्ति को हम केंद्र में बिठाकर पूरे देश को बदल सकते हैं। और एक ऐसा माहौल उठा 2009 के चुनाव के बाद और 2014 के चुनाव से पहले कि जनता ने तय किया कि इस व्यक्ति को हमको केंद्र पर लेकर जाना है। उसी दौरान 2011 में मेरी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस जी से हुई, और जब मैं पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी से मिली तो उन्होंने, और मैं नागपुर आई थी मिलने, और मुझे याद आता है कि उन्होंने पहली जो लाइन मुझसे कही वो ये कही, जब अच्छे लोग कार्य नहीं करते हैं तो बुरे लोग उस कार्य को करने के लिए जुट जाते हैं। इसी तरह राजनीति में बहुत सारे बुरे लोग लगातार लगे हुए हैं क्योंकि अच्छे लोग बाजू में खड़े हैं। तो इसलिए अच्छे लोग जब तक ठानेंगे नहीं कि हमको राजनीति में आना है तब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। बहुत आसान है दूर खड़े रहकर कहना कि भैया हमको बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए, बदलाव लाने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और इसीलिए मैं उनको गुरु मानती हूं। सही कही आपने कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब देखना तो होगा कि चुनाव का माहौल है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आप राजनीति में हो और आप जो जिस फैमिली से आती हो, आपके पापा आर्मी में थे, और वो जो अनुशासन है, वो जो संस्कृति है, उसका कितना फायदा आपको अब राजनीति में हो रहा है? बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में आप डिसिप्लिन के सिवा कुछ कार्य नहीं कर सकते। आज मेरा जो कमिटमेंट है, मेरा जो अपने काम के प्रति कमिटमेंट है, जो मेरा मेरे लोगों के प्रति कमिटमेंट है, जो मेरा अनुशासन जिसे कहते हैं कि मुझे इस समय पे उठना है, मुझे बचपन से याद है। अब आपके बहुत सारे यंग व्यूअर्स हैं, हम माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि भाई इतनी जल्दी सुबह क्यों उठना है, आजकल बहुत लोग बहुत लेट उठा करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि सुबह 6 बजे यदि आपको उठना है तो आपको उठना ही है। आज वो समय है कि आज मैं कितने भी बजे सोऊं मुझे 6 बजे उठना ही होता है, और जब मैं 6 बजे उठती हूँ और एक किताब कॉपी निकालती हूँ और लिखती हूँ कि आज दिन भर में मुझे क्या अचीव करना है, मैंने कौन कौन से काम आज के लिए रख रखे हैं, तो वो जब टू डू लिस्ट में बनाती हूँ तो मुझे याद आते हैं कि बचपन में मेरे पिताजी सिखाया करते थे, और इसी अनुशासन से आज मैं चलती हूँ, इसीलिए बहुत सारे कार्य कर पाती हूँ। आज मैं माँ हूँ, आज मैं पत्नी हूँ, आज मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मैं अनेकों बिजनेस चलाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नए इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बहुत एडवाइजर्स हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स में, और उसी तरीके से फुल टाइम
24/7 × 365 एक पॉलिटिशियन हूँ। मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको मैं लगातार सुनती हूँ, उनके पीछे खड़ी रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसका मैं आज श्रेय ले सकती हूँ, और आगे भी बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिसको मैं कार्य करना चाहूंगी। तो इसीलिए ये सब करने के लिए अगर आपको करना है तो आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब राजनीति से जुड़ा मेरा एक सवाल है, आप विदर्भ के दौरे पर हो, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और पहले चरण में नागपुर में जो है चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो नागपुर की सीट है वो एक हाई प्रोफाइल सीट करके देखी जाती है। नितिन गडकरी जो है भाजपा के प्रत्याशी है, पहले जब चुनाव घोषित हुए थे कांग्रेस से उम्मीदवार जाहिर होने से पहले कहा जाता था कि नितिन गडकरी वन साइड निकल जाएंगे नागपुर से, ऐसा जनता से भी एक दावा किया जाता था। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से प्रतिस्पर्धी जो है विकास ठाकरे उतारे गए हैं तो वो एक जनमानस से आते हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर कार्य है। ऐसे में आप मतलब बीजेपी पार्टी किस तरह से जुटी है कि नितिन गडकरी को चुनकर लाना ही है, क्योंकि 400 पार का नारा भी दे चुकी है बीजेपी। देखिए ऐसा है, मैं आपको आज दावा करके जाती हूँ और वापस आऊंगी यही इसी स्टूडियो में पेड़े खाने, क्योंकि हम केवल मात्र नागपुर की सीट रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे नहीं, रिकॉर्ड मनाएंगे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्योंकि इस बार नितिन जी का नारा है, जनता का तो नारा है ही कि कहो दिल से नितिन जी फिर से, लेकिन नितिन जी का नारा है कि हमको इस बार मतदान 75% पर लेकर जाना है, और पूरी कार्यकर्ताओं की टोली उनके पीछे केवल मात्र इसलिए लगी है ताकि हम केवल मात्र जीते नहीं, क्योंकि जीत तो रहे ही हम। देखिए नितिन जी ने पहले दिल जीता, फिर नागपुर जीता, और अब मैं आपको ये बात बता रही हूं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जब आप वहां जाकर रोड देखते हैं तो हर व्यक्ति जिस रोड पर चलता है एक बार नितिन गडकरी को जरूर याद रखता है। आज देश के इतिहास में नितिन गडकरी को रोडकरी के नाम से जाना जाएगा, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि नागपुर की जनता इस देश की शान को रिकॉर्ड मार्जिन से लेकर आएगी। बिल्कुल। मेरा ये सवाल आपसे है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संघ भूमि है, आरएसएस की ये भूमि है, कभी ये गढ़ कांग्रेस का रहता था, लेकिन पिछले दो बार जो है नितिन गडकरी चुन के आए हैं, ये तीसरी मतलब हैट्रिक की ओर वो जा रहे हैं। ऐसे में मुझे ये मतलब आपसे पूछना है कि 400 पार की ये थ्योरी क्या है जो पूरे मतलब नरेंद्र मोदी को जीत कर लाना है, वो उनकी भी हैट्रिक होने वाली है, ये 400 पार के पीछे की एक थ्योरी क्या है? देखिए इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है। आज तक कभी भी जब भी रिकॉर्ड बने हैं पार्लियामेंट्री इतिहास में, तो वो रिकॉर्ड इमोशन पे बने हैं। यदि कोई बहुत बड़ा नेता चला गया, कुछ झटका लगा देश को, तब देश ने रिकॉर्ड मतदान किया है और रिकॉर्ड तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है, वो एक देखिए देश को विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं, वो खुद भी एक विश्व के आइकॉन हैं, लेकिन उनका मानना है कि पहली बार भारत देश एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि देश और देशवासी इस बार विकास पर चुनाव लड़ने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी विकास के ऊपर ही, हमने जो काम किया है, हमने जो रिपोर्ट कार्ड दिए हैं और अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास से लेकर जिसकी ओपनिंग तक हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, ऐसे प्रोजेक्ट के बिना पर आज हम जनता के पास जा रहे हैं, और इसीलिए इस बार हम जनता से कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड करके दिखाइए, ताकि देश भी अपने आप को यह साबित कर सके कि अब देश इमोशंस पर नहीं, अब परफॉर्मेंस के ऊपर राजनीति को आंकेगा, राजनीति के नेतृत्व को आंकेगा, और आगे भी केवल मात्र परफॉर्मेंस के पीछे ही देश खड़ा रहेगा। और इसीलिए अब ये नारा है जो हम सब ने अपनाया है, अब की बार 400 पार। बिल्कुल। आपको एक सवाल है श्वेता जी मेरा, कि भाजपा इक्वल टू सोशल मीडिया और महाराष्ट्र सोशल मीडिया इज इक्वल टू श्वेता शालिनी, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी चर्चा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी इज नॉट इक्वल टू सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू भारत, इज इक्वल टू द पीपल ऑफ भारत।
एंड सोशल मीडिया के नॉट वी श्वेता शालिनी, हमारे अनेकों कार्यकर्ता हैं। और एक और बात बताना चाहती हूँ, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, लोग हैं हम, कभी भी सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने के लिए पैसे नहीं देते किसी को। अनेकों लोग दिल से जुड़े हैं। आप बताइए, किसी ने यह नारा दिया है क्या कि कहो दिल से नितिन जी फिर से? हम दिल से कहते हैं। इसी तरीके से जो देव को, जो धर्म को, जो देश को मानता है, वो आज व्यक्त होता है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है, आप जाकर देखिए। हम अपने विपक्षियों की तरह पैसे देकर ना ट्वीट करवाते हैं, ना हमें जरूरत पड़ती है कि हम फेसबुक पे पोस्ट करवाएं पैसे देकर। हमारे पास दिल से जुड़े हमारे कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज कार्यकर्ता, और ये एकमात्र ऐसा पोस्ट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल, प्रचार में जो है, प्रचार अभियान में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या बताओगे, आप विदर्भ के दौरे पर हो, किस तरह से प्रचार किया जा रहा है और क्या रणनीति है वो आखी गई है? देखिए, हमारी रणनीति बहुत सिंपल है। हमें हर वो काम जो हमने किया है वो लोगों तक पहुंचाना है। हमारी रणनीति बहुत सिंपल है, हर दरवाजे को खटखटाना है। और हमारी रणनीति बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे एक कार्यकर्ता को हर उस व्यक्ति के घर पहुंचाना है जो आज ये समझना चाहता है कि देश आगे और कितना बढ़ सकता है। विश्व गुरु की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके से बढ़ेंगे, किस तरीके से हम हर नैरेटिव को तोड़कर केवल मात्र, जैसे कहते हैं ना कि डीबीटी का अर्थ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वैसे हम डायरेक्ट ब्रांड ट्रांसफर करते हैं हर माध्यम से। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है हमारा कार्यकर्ता। और आज हमारी रणनीति केवल मात्र इतनी है, हमारे ब्रांड श्री नरेंद्र मोदी को घर घर पहुंचाना, हर किचन में हर महिला से जोड़ना, और उनके किए हुए काम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, उनके सपने को जो वो भारत के लिए देख रहे हैं वो हर युवा तक पहुंचाना, क्योंकि इन्हीं युवाओं के कंधे पर चढ़कर देश आगे बढ़ेगा। यही महिलाएं हैं जो हमारी नींव रखेंगी जिससे देश आगे बढ़ेगा, और यही वो जेनरेशन है, यही वो भारतीय लोग हैं जिनका सपना वही सपना होना चाहिए जो आज श्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने बोला है कि नितिन गडकरी जी के लिए कि कहो दिल से नितिन गडकरी फिर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो है प्रचार सभा होने वाली है वो कन्हान में हो रही है, नागपुर से कुछ ही समय की दूरी पर वो कन्हान है, लेकिन नागपुर में नहीं हो रही, इससे ये चर्चाएं भी जोरों पर है, कहीं दोनों में अनबन तो नहीं है? देखिए, ऐसा है, अब नरेंद्र मोदी जी की सभा वहां हो रही है जहां उनकी सभा की जरूरत है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक डेटा ड्रिवन पार्टी है, जहां पर ऐसी जरूरत लगती है कि हमें ब्रांड नरेंद्र मोदी जी को नीचे उतारना है, हम वहां नीचे उतारते हैं, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन है। जब आपको चाहिए कि आप सचिन तेंदुलकर को नीचे उतारो, और जब आपके पास सचिन तेंदुलकर है तब आप सचिन तेंदुलकर को नीचे लेके आते हो। जहां पर विराट कोहली पहले से ही छक्के पे छक्के मार रहा है, और जहां युवराज पहले ही 6 छक्के मार चुका है, वहां पे उतार के क्या फायदा है? अब ये अब ऐसा है कि बात करने वाले बात करेंगे ही, अब उनके पास और कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, तो वो यही सारे मुद्दे उठाएंगे, तो उठाते रहे, हमें भी चर्चाएं पसंद है। बिल्कुल, नागपुर में देखा जा रहा है कि विकास वर्सेस विकास है, क्या बताओ? देखिए, इस विकास वर्सेस विकास में वही विकास जीतेगा जो दिखता है, और नागपुर में कौन सा विकास दिखता है, ये जितने लोग ये कह रहे हैं कि कहो दिल से नितिन जी फिर से, वो जानते हैं कि ये विकास नागपुर तक पहुंचाने वाला एक ही नाम है, नितिन गडकरी जी। और मुझे पता है और पूर्ण विश्वास है कि नागपुर दिल से उनके पीछे खड़ा है। बिल्कुल, हमें पता है हाल ही में अभी अभी जो है अयोध्या में राम मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और आपका भी अयोध्या से एक अनोखा रिश्ता है, वो भी हम जानना चाहेंगे आज। जी, मैंने आपको बताया कि मैं मेरा जन्म मिथिला में हुआ था, मेरी शादी अयोध्या में हुई है। मेरे परिवार
बहुत बड़ा आदर है हमारे लिए। नित्य सरयू आरती के जो महंत हैं वो हमारे परिवार से हैं, वो जो फाउंडेशन है वो हमारे परिवार का है। सरयू माँ की सेवा करने का मौका हमें गत 20 सालों से मिला हुआ है और उसी का आशीर्वाद, माँ सरयू का ही आशीर्वाद है कि हमारे घर के सब लोग स्वस्थ हैं, प्रोग्रेसिव हैं, उनकी सोच अच्छी है। अयोध्या में राम मंदिर इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमसे इसलिए ज्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जैसे लोगों ने हमारे प्रभु राम को टेंट में देखा हुआ है। तो हमेशा हम जैसे लोग ये सोचते थे कि देखिए हम वहां से बाहर निकल गए, हमने अपने लिए अपना एक आशियाना बनाया, हमारे जब बच्चे हुए तो हमने उनको पक्का घर दिया, लेकिन हम में से किसी की इतनी, माफ कीजिए इस शब्द को यूज करने की, औकात नहीं थी कि हम अपने प्रभु को टेंट छुड़वा के अच्छे घर में ले आ सके। और जिस व्यक्ति ने वो काम किया है, मुझ जैसा व्यक्ति सब कुछ न्योछावर कर सकता है, एक नहीं हमारा 100 जन्म उस व्यक्ति के लिए न्योछावर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उसने मेरे राम लला को टेंट से निकालकर घर दिया, जो हम में से किसी की औकात नहीं थी कि हम सोच भी सके। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा एक एक कोई आएगा जिसके अंदर वो पुरुषार्थ होगा जो राम भगवान की का पुरुषार्थ था, और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान होंगे। हमारा बहुत सौभाग्य है, इस पूरे जनरेशन का सौभाग्य है कि 500 सालों ने अनेकों लोग उनकी मृत्यु हो गई केवल मात्र ये सोचते हुए कि एक दिन राम मंदिर बनेगा, लेकिन हम जैसे ऐसे लोग हैं जिनको केवल मात्र ये सपना देखने का मौका नहीं मिला, हमने ये साक्षात अपने आंखों के सामने देखा है कि राम राम लला बसे, प्राण प्रतिष्ठान हुआ और इतने सारे लोगों ने देश भर से, आज रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग आज अयोध्या जा रहे हैं। आप इस अभियान का हिस्सा भी रह चुके हैं, उससे जुड़े कुछ यादें आप बता सकते हो? देखिए हर याद जो है वो बहुत ही मार्मिक है। मैंने अभी आपको बताया मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि रामलला को हमने टेंट में देखा और जब हम जाते थे तो देखते थे कि रामलला हमारे अकेले बैठे हैं, चारों तरफ से गनमैन्स हैं और लाइन लगा के आप बहुत दूर जाते थे और फिर दर्शन भी नहीं होते थे। आज जब भव्य मंदिर सामने दिखता है तो ऐसा ऐसा गर्व होता है अपने अंदर कि आज हम उस देश में हैं जहां हमारे धर्म, हमारी आस्था, आज केवल मात्र हमें ही गर्व नहीं होता है, चारों तरफ, आपको क्यों लगता है अमेरिका ने, रशिया ने, हर तरफ लोगों ने, भारतीयों ने, जो भारतीय नहीं थे उन्होंने भी जश्न मनाया 22 जनवरी को, क्योंकि मुझे लगता है कल्चरल रेनेसांस जिसे कहते हैं, एक नया जन्म हुआ है भारत का। कहीं ना कहीं ये गुलामी की मानसिकता में, यह जब ये बेड़ियां हमारे अंदर थी ना, वो बेड़ियां टूट गई हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो मानसिक बेड़ियां टूटी है ना, ये हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा। मैं, आपने वाकया पूछा, मैं याद दिलाना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को, हमने वो समय देखा है जब बहुत सारे लोग चाहते थे कि अयोध्या नगरी, श्री अयोध्या धाम पर कहीं ना कहीं से टेरर अटैक हो जाए। अनेकों बार कोशिश की गई और बहुत सारे लोग सुरक्षा देते थे प्रभु श्री राम को। हमें लगता था ऐसे प्रभु श्री राम जो पूरे जगत की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम मनुष्य अब 4 गन लेके खड़े हुए हैं। आज जब उनको वो स्थान मिला है तो हमें पता है कि आज वहां खड़े प्रभु श्री राम केवल मात्र हमारा ही नहीं, हम अयोध्या वासियों का ही नहीं, पूरे भारत को देख रहे हैं, रक्षा प्रदान कर रहे हैं। और अब जो हम सपना देख रहे हैं भारत के लिए कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, चुनावी माहौल है तो क्या एक अपील करोगे हमारे दर्शकों से आप? एक ही अपील है, आप जहां हैं, जैसे हैं, याद रखिए कि हम इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारी शक्ति लोकतंत्र की तभी है जब आप ये डिसाइड करेंगे कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज बाहर निकलेंगे, आप वोट करेंगे। ये भी याद रखिए कि हम बहुत गर्व से अपने आप को लोकतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बूथ ऐसे भी जगहों पर लगाता है जहां पर लोग 25-25 किलोमीटर चलकर आते हैं। कोई बुजुर्ग होता है, कोई चल नहीं पाता है, वो भी वोट करने आता है। इसलिए खासकर युवा वर्ग को जो आप आज देख रहे हैं, याद रखिए इफ द कंट्री गिव्स यू राइट्स, इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेप आउट टू वोट। और
जब आप वोट नहीं करते तो आप देश में कंप्लेन करने का जो राइट है आपको वो आप खो देते हैं। इसलिए डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेप आउट टू वोट, वोट जरूर कीजिए, किसी को भी कीजिए। आपकी बार 400 पार है तो हर युवा समझदार है, इसीलिए केवल और केवल मात्र श्री नरेंद्र मोदी को ही बाहर निकल के वोट करेगा क्योंकि वो समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ऐसे कई मुद्दों पर बहुत ही अच्छी बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। आज के कार्यक्रम में वक्त चला है यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।